पंजाब में शुक्रवार को बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 60 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा अमृतसर के जोड़ा फाटक पर शाम 6:45 को हुआ था। ट्रेन ने महज 6 सेकंड में कई जिंदगियां छीन ली। रेलवे फाटक के पास दशहरे के अवसर पर रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था। रावण दहन के बीच ही अब ट्रैक पर जलंधर अमृतसर DMU ट्रेन आ गई। इसी ट्रैक पर भारी भीड़ जमा थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के ये भी कहा जा रहा है कि लोग बचने के लिए टाउन ट्रैक पर चले गए, तभी इस ट्रैक पर अमृतसर हावड़ा आ गई। दोनों ट्रैकों पर करीब 400 लोगों की भीड़ जमा थी। दहन के वक्त पटाखों के शोर के चलते लोगों को ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। सबरीमाला मंदिर में तीसरे दिन भी कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर पाई। हैदराबाद की पत्रकार कविता जक्कल और कोची की रेहाना फातिमा पुलिस सुरक्षा में मंदिर के करीब तो पहुंची, लेकिन अंदर नहीं जा सकी। नाराज पुजारी पूजा बीच में ही छोड़कर मंदिर के द्वार पर पवित्र 18 पायदानों के बाद बैठ गए। कहा अगर वे जबरदस्ती प्रवेश करेंगे तो मंदिर को ताला लगा देंगे। इसके बाद स्त्रियों को लौटना पड़ा। इधर पूजा रुकने पर राज्य में आक्रोश फैल गया है। श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि पहली बार भगवान अयप्पा की पूजा रोकनी पड़ी। कुछ लोगों ने रेहाना के कोची स्थित घर पर तोड़फोड़ कर दी। भाजपा ने इसे श्रद्धालुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। केरल के देशों मंत्री के सुरेंद्र ने मीडिया से कहा कि हमें पता चला है कि दोनों महिलाएं वास्तव में कार्यकर्ता थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पटना में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस R.K. मित्तल पर 50 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगने के बाद उन्हें निलंबित करने की मंजूरी दे दी है। संबंधित फाइल कई महीनों से लंबी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधान न्यायाधीश जस्टिस गोगोई के कार्यालय ने इस दफ्तरी से मंजूरी देकर फाइल रेलवे बोर्ड को भेज दी है। यह पहली बार है जब एक RCT जज को भ्रष्टाचार के आरोपों पर निलंबन का सामना करना पड़ रहा है। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस UU ललित को सौंपी गई थी। जांच में पाया गया है कि मित्तल ने कम से कम 50 करोड़ के ऐसे मुआवजा दावों को मंजूरी दी जिनके दावेदार या तो फर्जी थे या वे कई बार एक ही दुर्घटना का मुआवजा ले चुके थे। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि कई वास्तविक मामलों में भी वकीलों ने पीड़ितों से पैसा लिया था। RCT के अध्यक्ष जस्टिस के कन्नर ने कुछ माह पहले मित्तल के निलंबन की मांग की थी, जिसके बाद मित्तल को इस वर्ष की शुरुआत में रांची से RCT की त्रिवेंद्रम खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया गया था। विजय पर्व दशहरे को कांग्रेस और भाजपा दोनों सियासी दलों ने भरपूर भुनाने की कोशिश की है। दशहरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक दूसरे पर ट्विटर बाण चलाए। कांग्रेस अब रावण दहन के बाद 20 अक्टूबर से 28 नवंबर तक शिवराज सिंह चौहान से 40 दिन में 40 सवाल पूछने जा रही है। ये सवाल केंद्र सरकार की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की स्थिति के आधार पर तैयार किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार के मुंह से जानिए मामा सरकार की बदहाली के हाल। खुद मोदी सरकार ने प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों पर जो सवाल खड़े किए हैं उन्हें उजागर किया जाएगा। कांग्रेस के इस अभियान को दशहरे से जोड़ते हुए कमलनाथ ने कहा कि बुराई के प्रतीक रावण दहन के बाद से बदहाली के प्रतीक शिवराज सरकार के विसर्जन तक ये सिलसिला चलेगा। राहुल गांधी 24 अक्टूबर को फिर चुनावी दौरे पर राजस्थान आएंगे। इस बार वो हाड़ौती और शेखावटी आएंगे। अपने इस चौथे दौरे के साथ ही राहुल अब तक प्रदेश की लगभग आधी सीटों को कवर कर लेंगे। पिछले 3 दौरे में उन्होंने करीब 63 सीटें कवर की थी। चौथे दौरे में कोटा, झालावाड़, बारा, सीकर और झुंझुनू जिले की 31 सीटें कवर होंगी। इस तरह 94 सीटें कवर हो जाएंगी। ये सीटें 15 जिलों की है। इनमें से 4 से 2 दौरे प्रदेश कांग्रेस ने ऐसे तय किए हैं जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को घेरने की रणनीति का हिस्सा है। पहले मुख्यमंत्री के गृह जिले धौलपुर और अब उनके बेटे दुष्यंत सिंह के निर्वाचन जिलों पर फोकस किया गया है। राहुल 24 को कोटा पहुंचेंगे। वहां से 90 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद झालावाड़ पहुंचेंगे। वहां प्रवीण शर्मा स्टेडियम में महासंकल्प रैली को संबोधित करेंगे। झालावाड़ से रात को जयपुर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सीकर में आम सभा को संबोधित करेंगे।
राहुल 24 को रात्रि विश्राम जयपुर में कर सकते हैं। देश के 19 स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इंडिया रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने रेलवे को 2600 करोड़ रुपए का फंड दिया है। हालांकि अभी तक इन स्टेशनों के नाम नहीं घोषित किए गए और उनकी सूची तैयार की जा रही है। स्टेशनों के पुनर्विकास की नोडल बॉडी इंडिया रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने पर काम करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निजी कंपनियों को स्टेशनों पर स्थित वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बोली लगाने को बाद में आमंत्रित किया जाएगा। IRSDC के मुताबिक इन स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की परियोजना पर इस साल के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जोगी से फोन पर बात की और उन्हें चुनावी मैदान में उतरने की बजाय गठबंधन की कमान संभालने की सलाह दी। इसके बाद जोगी ने विजयादशमी पर कहा कि गठबंधन का स्टार प्रचारक होने की वजह से वो सभी 90 सीटों पर प्रचार करेंगे, इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि जोगी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। विधानसभा चुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन किया है। ये गठबंधन देश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। पूर्व CM के बेटे और मरवाही विधायक अमित जोगी ने बताया कि पार्टी प्रमुख अजीत जोगी चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव के पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करने वालों पर गाज गिरेगी। उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य पुलिस ने आचार संहिता लागू होने के बाद 30% से ज्यादा हथियार जमा नहीं होने पर सख्ती दिखाई है। सभी जिलों में लाइसेंसी हथियारों का ब्यौरा मांगा है, साथ ही हथियारों के प्रकार और इसे लाने वालों के नाम भी भेजने को कहा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश भर सभी 27 जिलों में कुल 12,242 लाइसेंसी हथियार धारक लोग हैं। इसमें से अब तक करीब 8,572 हथियार ही जमा हुए हैं। अवैध हथियारों को लेकर पुलिस महकमा तनाव की स्थिति में है कि कहीं चुनाव के दौरान इसका खुलकर उपयोग हो सकता है। इसे देखते हुए आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ाए गए बदमाशों पर नजर रख रही है। प्रदेश भर के 109 अपराधियों को जिला बदर करने का प्रस्ताव कलेक्टरों को भेजा गया है। कांग्रेस के टिकट वितरण की सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भी सियासत गर्म है। भूपेश बघेल फॉर CM नाम से चलाए जा रहे एक फेसबुक पेज पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल नाराज हो गए हैं। उन्होंने इस पेज का लिंक शेयर करते हुए लिखा, ना तो मेरा मकसद मुख्यमंत्री बनना है और ना मंत्री, मेरा काम भ्रष्ट रमन सरकार को उखाड़ फेंक कर बहुमत लाने का है, जो मैं करके रहूंगा। भूपेश ने लिखा कि मेरा समर्थक बन कोई विरोधी ही इस पेज को चला रहा है, मैं इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं और पेज के एडमिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूं। करीब 5-7 घंटे बाद सोशल मीडिया पेज का नाम बदल दिया गया। भूपेश ने सूचना को भी साझा करते हुए लिखा, पेज का नाम बदल कर भूपेश की सेना कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से एक निजी एजेंसी द्वारा सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता की शह पर ये सब कराया जा रहा है और ऐसे कई और अन्य पेज चल रहे हैं। हमारे पास सारी सूचनाएं हैं, इसकी आधिकारिक शिकायत करेंगे। बाजार में बिकने वाला चाय और समोसा 5 साल में 5 से 8 रुपए हो गया है, उसे आयोग ने भी माना है। बीते सालों में बढ़ी महंगाई का असर चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। आयोग ने 2013 के निर्वाचन के बाद जो सामानों के खर्च की सूची दी है, उसमें 40% की वृद्धि की गई है। चुनावी बैनर पोस्टर बांधने वालों के रोज का 400 रुपए मजदूरी प्रत्याशियों को देंगे। बीते चुनावों में ये कार्य कार्यकर्ताओं के द्वारा कराने का हवाला प्रत्याशियों द्वारा दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, प्रत्याशियों की शान में बैंड बाजा बजाने वालों को 8,000 रुपए प्रति घंटे का रेट आयोग ने तय किया है। प्रत्याशियों को पहनाई जाने वाली माला की कीमत भी 220 रुपए कर दी गई है। विधानसभा चुनावों के खर्चों के रेट तय कर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ा दी है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रायपुर महानगर ने नेताजी सुभाष स्टेडियम प्रांगण में विजय दशमी पर्व पर शस्त्र पूजन किया। इसके बाद स्वयंसेवक पथ संचलन करते हुए सुभाष स्टेडियम से शहर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस सुभाष स्टेडियम पहुंचे। मोतीबाग के पास मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रांत प्रचारक प्रेम शंकर सिद्धार्थ थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता सिद्धार्थ ने कहा कि विजय दशमी का पर्व शस्त्र पूजन का पर्व है। बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। इस दिन सद्वृत्तियों का संरक्षण किया गया था, समाज को अभय दिया गया, संस्कारों को सुरक्षित किया गया और जिन बुरी शक्तियों ने समाज को दुखी कर अत्याचार किया था उनका संहार किया गया था। कार्यक्रम में प्रांत के सह संचालक डॉक्टर पुर्णेंदु सक्सेना, विभाग सह संचालक भास्कर किन्हेंकर, महानगर संचालक उमेश अग्रवाल, महानगर कार्यवाह टोपलाल वर्मा सहित बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक एवं लोग शामिल हुए। जिस भक्ति और उत्साह से शहर के अनेक स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजी गई, उसी भक्ति और उत्साह के बीच मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन करने टोलियां निकली। डीजे बैंड बाजा की ध्वनि के बीच नाचते झूमते वाहनों में रखकर श्रद्धालुओं का समूह विसर्जन करने खारून नदी के तट पर पहुंचा। यहां एक बार फिर विधिवत पूजन कर विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं को ठंडा किया गया। यह सिलसिला रात तक जारी रहा। शहर की प्रमुख सड़कों के किनारे से लेकर मोहल्ले और कॉलोनियों में 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति की धूम मची रही। सुबह शाम आरती पूजन में बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल होते रहे। विदाई बेला में जैसे ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं को वाहनों पर रखा जा रहा था, जिससे सब भावुक हो उठे। पीछे पीछे श्रद्धालुओं का समूह बढ़ता गया। नारियल चढ़ाने का सिलसिला भी चलता रहा।